वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनलैंड फिशरीज के अंदर कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम इनलैंड फिशरीज के अंदर रिवराइन फिशरीज, रिजर्वोयर फिशरीज, लेक्स एंड पोंड फिशरीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो कोल्ड वाटर फिशरीज जो होती है ये कौन कौन सी होती है एंड इम्पोर्टेंट कोल्ड वाटर फिशरीज कौन कौन सी है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कोल्ड वाटर फिशरीज की अगर हम बात करें तो कोल्ड वाटर के सोर्सेज जो है ये होते हैं हिल स्ट्रीम्स हो गए, पूल्स, लेक्स एंड मैन मेड रिजर्वॉयर्स। तो वाटर इनके अंदर जो होगा ये कोल्ड वाटर होगा। वाटर बॉडीज ऑफ हिल्स हैव लो टेम्परेचर, हाई ऑक्सीजन कंटेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है उस वाटर का एंड लो टेम्परेचर होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल पास पास होंगे जिसकी वजह से वो ज़्यादा ऑक्सीजन को होल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए इनका हाई ऑक्सीजन कंटेंट होता है एंड इनके अंदर लो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड हाई वेलोसिटी इनकी होती है। इंडिया के अंदर वार्म वाटर बॉडीज आर प्रेजेंट इन कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड यूपी। इसके अलावा नदन बंगाल के अंदर मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन सभी एरियाज के अंदर क्या पाई जाती है, कोल्ड वाटर की बॉडीज पाई जाती है, फिर कोल्ड वाटर के सोर्सेज पाए जाते हैं। कोल्ड वाटर बॉडीज आर फेड बाय स्ट्रीम्स, रेन वाटर एंड मेल्टिंग स्नो। अब कोल्ड वाटर जो है ये जो ठंडा पानी वो कहाँ से आता है, या तो जो स्ट्रीम्स हैं, झरने हैं, या तो रेन वाटर है, या तो स्नो मेल्ट हो गई, इन सभी सोर्सेज से ये कोल्ड वाटर आता है। द फिशेज प्रेजेंट इन द कोल्ड वाटर बॉडीज आर अडेप्टेड टू लिव इट नैरो रेंज ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर। एंड जो कोल्ड वाटर के अंदर जो भी वहाँ पे फिशरीज या फिर फिशेज रहती हैं वो उस कोल्ड वाटर के लिए अडेप्टेड होती है एंड उनके पास एबिलिटी होती है, वो अडेप्टेड होती है कि वो एक नैरो रेंज ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर के अंदर अडेप्ट होती है, वहाँ पर रह सकती है। एंड इस कंडीशन को बोला जाता है स्टीनोथर्मल। स्टीनो मीन्स नैरो एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर भी ये क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। इम्पोर्टेंट नेचुरली अकरिंग कोल्ड वाटर फिशेज के अंदर है लेबियोडीरियो, लेबियो डायोचेलियस होगी, बेरियस स्पीसीज टोर टोर, टोर पुटीटोरा, टोर खुदरी, टोर मसाल, टोर मुसला, टोर नेली, टोर प्रोजीनियस। इसके अलावा अक्रोसोचेलियस, हेक्सागोनोलेप्सिस, सीजोथोरेक्स स्पीसीज, गारा गोटाइली, साल्मो ट्रूटा, साल्मो गर्डनेरी जो कि रेनबो ट्राउट्स होती हैं। इसके अलावा बर्लियस बेंडेलिसिस हो गई इसके अंदर, बर्लियस बोला, बर्लियस वाग्रा, बर्लियस गेटेंसिस, सिप्रिनस स्कॉर्पियो, पंटियस फिक्टो, ग्लिप्टोथोरेक्स पैक्टिनोप्लेरियस, इंडियन हिल ट्राउट इसको बोला जाता है, टिंका टिंका। ये सब कोल्ड वाटर की फिशेज होती हैं जो कि कोल्ड वाटर के अंदर पाई जाती है। कुछ लेबियो की स्पीसीज हो गई, टोर की स्पीसीज पाई जाती हैं यहाँ पे, इसके अलावा सिप्रिन स्कार्पो और पंक्टियस की कुछ स्पीसीज होगी यहाँ पे, टिंका टिंका, ये सब स्पीसीज जो है कोल्ड वाटर के अंदर पाई जाती है फिश की। इसके बाद नेक्स्ट है कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट कोल्ड वाटर फिशेज को हम डिटेल में अगर देखें इनके बारे में, तो सबसे फर्स्ट फिशेज है, चार से पांच फिशेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है टोरटो। ये कॉमन महसीर है, फाउंड इन फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम कश्मीर टू असम ये मिलती है एंड इन रिवर्स जैसे कि नर्मदा एंड तावी के अंदर भी पाई जाती है। लेंथ जो है इसकी, इस फिश की लेंथ जो है ये होती है 15 मीटर तक। शॉर्टर हेड होता है, ठीक है, हेड कैसा होता है इसका, शॉर्टर होता है। इंसेक्टिवोरस इन यंग स्टेज एंड हर्बीवोरस इन अडल्ट स्टेज। इंसेक्टिवोरस जब ये यंग होती है तो इंसेक्ट्स के ऊपर ईट करती है, लेकिन जैसे ये अडल्ट स्टेज के अंदर चली जाती है तो ये हर्बीवोरस बन जाती है। ब्रीडिंग सीजन इसका जुलाई टू दिसंबर होता है। तो ये टोर के बारे में है। नेक्स्ट फिश है टोर पुटीटोरा। टोर पुटीटोरा जो है कॉमनली इसको हिमालयन महसीर या फिर इसको गोल्डन महसीर भी बोला जाता है। इसका कलर भी ऐसा ही गोल्डन सा है थोड़ा। इट इज कॉमनली फाउंड इन द लेक्स ऑफ उत्तरांचल एंड इन रिवर ब्यास एंड सतलुज जो रिवर्स हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। लॉन्ग हेड होता है, ठीक है, इसका हेड कैसा है, लॉन्ग होता है। लेंथ इसकी होती है 12 to 14 मीटर तक।
अब यहाँ पे जो हम लेंथ की बात करते हैं वो एक हम अडल्ट एवरेज लेंथ की बात करते हैं जब भी बात करते हैं. इट ब्रीड्स 3 times इन ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू फरवरी, देन मई टू जून एंड देन अगस्त टू सेप्टेम्बर. तो ये 3 ब्रीडिंग सीजन होते हैं इसके एक साल के अंदर. तो ये होगी टोरपुटी टोरा. थर्ड वन है साल्मो गार्डनेरी. साल्मो गार्डनेरी जो है इसको कॉमनली रेनबो ट्राउट बोला जाता है. एग्जोटिक फिश है यानी विदेशी फिश है ये, जो कि नॉर्थ अमेरिका से 1907 के अंदर इंपोर्ट की गई थी, लाई गई थी वहां से. इट हैज इलोंगेटेड बॉडी, शॉर्ट हेड एंड स्मॉल माउथ. बॉडी इसकी इलोंगेटेड होती है एंड माउथ इसका शॉर्ट होता है, स्मॉल होता है, एंड हेड भी इसका बिल्कुल शॉर्ट होता है. एंड इसके अंदर वैरायटी ऑफ कलर्स पाए जाते हैं. जैसे नाम ही इसका रेनबो ट्राउट है तो इसके अंदर वैरायटी ऑफ कलर्स पाए जाते हैं. सक्सेसफुली ब्रीड इन रिवर्स एंड इन द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जोटिक ट्राउट ये होती है. ठीक है, रिवर्स के अंदर ये सक्सेसफुली ब्रीड कर पाती है एंड ये एक मोस्ट सक्सेसफुल एग्जोटिक ट्राउट है. रेनबो ट्राउट इज अबंडेंटली प्रेजेंट इन स्ट्रीम्स, लेक्स, फिश फॉर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, फिश फॉर्म्स हैं, उनके अंदर ये ज्यादातर पाई जाती है. इन रिजर्वॉयर्स ऑफ नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु इट इज प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ फिशरीज. इसके अलावा जो तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स हैं उनके अंदर भी ये प्रोमिनेंट, एक डोमिनेटिंग स्पीसीज होती है फिशरीज के अंदर. इसके बाद नेक्स्ट है साल्मो ट्रूटा फैडियो. ये जो फिश है इसको कॉमनली ब्राउन ट्राउट बोला जाता है. ये भी एक एग्जोटिक फिश होती है जो कि हिल्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप से इंपोर्ट की गई है इंडिया के अंदर. इन इंडिया इट इज सक्सेसफुली इन ओनली इन ब्यास रिवर. इंडिया के अंदर ये ब्यास रिवर के अंदर सक्सेसफुली है एंड सम फार्म्स एंड स्ट्रीम्स इन कश्मीर के अंदर भी ये पाई जाती है. इसके अलावा इसकी बॉडी इलोंगेटेड होती है एंड इसका हेड जो है वो राउंडेड होता है. मैक्सिमम लेंथ इसकी होती है 46 सेंटीमीटर तक. फॉर ब्रीडिंग द ट्राउट स्विम अपस्ट्रीम. अब ब्रीड करने के लिए ट्राउट क्या करती है, ऊपर की तरफ अपस्ट्रीम स्विम करती है टू स्पॉन ऑन ग्रेवल बीडेड शैलो फास्ट वाटर करंट. ठीक है, जो ग्रेवल होते हैं वहां पे जो पत्थर होंगे उनके ऊपर ये क्या करेगी, जो शैलो वाटर करंट्स है वहां पे जो है स्पॉनिंग करेगी. तो ये ब्रीडिंग इसकी अंदर हो गई कि ये अपस्ट्रीम स्विम करेगी स्पॉनिंग के लिए ऑन ग्रेवल बीडेड शैलो फास्ट वाटर करंट के अंदर. तो ये साल्मो ट्रूटा फैडियो हो गई. इसके बाद लास्ट आती है टिंका टिंका. कॉमनली इसको ट्रेंच और डॉक्टर फिश बोला जाता है. ये भी एक एग्जोटिक फिश होती है जो कि इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है 1874 के अंदर फ्रॉम यूरोप एंड वेस्टर्न साइबेरिया से. ठीक है, यूरोप एंड वेस्टर्न साइबेरिया से ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है. इट इज सक्सेसफुली इन द लेक्स ऑफ नीलगिरी हिल्स. नीलगिरी हिल्स के अंदर ये सक्सेसफुल है, यानी ब्रीडिंग भी इसकी सक्सेसफुल है वहाँ पे, सक्सेसफुली ये वहाँ पे रहती है. मैक्सिमम लेंथ इसकी 50 सेंटीमीटर तक ही होती है. इलोंगेटेड बॉडी होती है विद स्मॉल हेड एंड राउंडेड टेल. इसकी टेल जो है वो राउंडेड होती है, टेल फिन्स हो गए एंड टेल इसकी राउंडेड होती है एंड इसका जो हेड है वो स्मॉल होता है. इट हैज़ गोल्डन टू ग्रीन कलर. ठीक है, थोड़ा सा गोल्डन इसके अंदर शेड नजर आ रही है, थोड़ी सी इसके अंदर ग्रीन नजर आ रही है, तो गोल्डन टू ग्रीन इसका कलर होता है. ब्रीडिंग पीरियड इसका होता है फरवरी टू अप्रैल तक. ठीक है, फरवरी टू अप्रैल तक इसका ब्रीडिंग पीरियड होता है. इसके बाद ब्रीडिंग के बाद जो फिंगर लिंक्स बनेंगे, फिंगर लिंक्स जो होती हैं फिश के अंदर, जो फिश की डिवेलपमेंट चलती है इसकी लाइफ साइकिल के अंदर, तो वहाँ पे एक स्टेज आती है फिंगरलिंग्स. फिंगरलिंग्स का मीनिंग है कि अब जो फिंगर है, अब जो फिश है वो फिंगर के साइज की हो गई है. ठीक है, फिश जब फिंगर की साइज की हो जाती है तो उसको फिंगरलिंग बोला जाता है. मोस्टली जो सीड्स होते हैं वो इन फिंगरलिंग्स के ही बनते हैं, यानी जो फिश सीड होते हैं. तो ये फिंगरलिंग्स जो है ये प्लैंकटोनिक क्रस्टेशियंस के ऊपर फीड करते हैं एंड जो अडल्ट्स हैं वो इंसेक्ट्स, वेजिटेबल डेब्रिस एंड प्लैंकटोन्स के ऊपर ईट करते हैं. तो फिंगरलिंग्स यानी कि हम बोल सकते हैं यंग स्टेज के अंदर ये प्लैंकटोनिक क्रस्टेशियंस के ऊपर ईट करती है, फीड करती है एंड अडल्ट होने के बाद ये इंसेक्ट्स, वेजिटेबल डेब्रिस एंड प्लैंकटोन्स के ऊपर ईट करती है. तो ये कुछ प्रोमिनेंट स्पीसीज हैं जो कि कोल्ड वाटर के अंदर पाई जाती है. इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट कोल्ड वाटर लेक्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट कोल्ड वाटर लेक्स हैं. लेक्स तो बहुत सारी है लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे कोल्ड वाटर लेक्स की ये लिस्ट है. जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाई जाती है डल, वुलर एंड कृष्णासार.
इसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर रेणुका लेक पाई जाती है, उत्तरांचल के अंदर भीमताल, नैनीताल, सात ताल एंड नौकुचिया ताल, इसके अंदर क्या होते हैं, नौ ताल पाए जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर ऊटी एंड कोडाई कनाल पाई जाती है। इसके अलावा केरला के अंदर यहाँ पे देवीकुलम लेक एंड एलिफेंट लेक यहाँ पे पाई जाती है। तो ये अलग अलग टाइप की अलग अलग रीजन्स के अंदर लेक्स पाई जाती हैं, एंड ये लेक्स क्या है, कोल्ड वाटर लेक्स हैं इंडिया के अंदर। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में। तो इनलैंड फिशरीज के अंदर हमने रिवराइन, रिजर्वोर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे ब्रैकिश वाटर फिशरीज के बारे में, कैसे उनका कल्चर किया जाता है, पर्ल कल्चर कैसे होता है, ऑयस्टर्स का कल्चर या फिर एडिबल ऑयस्टर्स कौन से होते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।